नमस्कार, साहस समाचार टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा धीर। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। बेंगलुरु में अमित शाह का कर्नाटक दौरा कल, ड्रग ट्रैफिकिंग और नेशनल सिक्योरिटी पर सम्मेलन में होंगे शामिल। सूरत में मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी दोषी करार, कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, तुरंत मिली जमानत। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी, ऑरेंज अलर्ट जारी। नई दिल्ली में सजा के बाद राहुल गांधी का ट्वीट, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उन्हें पाने का साधन। कर्नाटक के कालबुर्गी में चेक पोस्टों पर पकड़ा गया करीब 1.90 करोड़ का कैश। प्रियंका गांधी बोली, डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी राहुल गांधी की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी की सजा पर खड़गे ने लगाए आरोप, बोले जजों को बार बार बदला गया। झारखंड के रांची में छात्रों ने नई रोजगार नीति के खिलाफ किया उग्र प्रदर्शन। हरियाणा में अमृतपाल सिंह पंजाब से फरार होने के बाद 19 से 21 मार्च तक कुरुक्षेत्र में था मौजूद। पंजाब में अमृतपाल सिंह की सुरक्षा में तैनात गनमैन तेजिंदर सिंह उर्फ गोरखा बाबा गिरफ्तार। मुंबई के माहे में मखदूम शाह की दरगाह तोड़ी गई, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। देश में ही है खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह, 8 राज्यों में छुपे होने की आशंका। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर मर्सिडीज कार और रोडवेज बस की टक्कर, 12 लोगों के जख्मी होने की सूचना। सोनीपत में कुट्टू काटा खाने से करीब 350 लोग हुए बीमार, शहर में रेड मार रही खाद्य विभाग की टीम। शिवसेना ने टूट के लिए राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को ठहराया जिम्मेदार। अमेरिका के डेनवर के स्कूल में गोलीबारी, 2 घायल। खबरों में फिलहाल इतना ही, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें साहस समाचार टीवी के साथ। नमस्कार।